देश में एनआरसी की बहस के बीच अब हरियाणा के जींद में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह सक्रिय हो गया है। गिरोह की ओर से जींद की कई दीवारों और बिजली के खंभों पर पोस्टर चिपकाकर 2500 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र बनाने का दावा किया गया है। हालांकि इसे लेकर जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लोगों को इस प्रकार के गिरोह के चंगुल में न आने की हिदायत दे रहे हैं। इसमें ऐसा है, जो नियम ये है, जो साइट पे जन्म या मृत्यु होती है जिस एरिया में, उसी एरिया के अंदर दर्ज होना चाहिए। अगर ये इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं तो ये सारी जो है पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करने का एक लग रहा है इसमें सिस्टम। तो मैंने भी व्हाट्सएप पर जो है खींच के और सिटी SHO के उसमें भेजा था, और ये बिल्कुल फ्रॉड है। इसमें शहर के अंदर कई इलेक्ट्रिक पोल हैं, कई और जगह हैं जिनके ऊपर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके ऊपर ये लिखा गया 2500 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हैं। ऐसे कोई प्रोसेस तो है नहीं, तो जिसके लिए हमें ऐसे की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई है, इस पर अभियोग अंकित कर लिया गया है, तो आगे जाँच जारी है। इसमें कौन कौन से सेक्शन लगाए हैं? इसमें 420-511 सेक्शन लगाए हैं। अच्छा, इस तरह नहीं लगता था, आपने बताया कोई प्रोसेस नहीं है, इस तरह से लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। देश के अंदर से NRC वाला मुद्दा चला है, बातें चली हुई है, इस तरह लोग इसको धंधा बनाना चाहते हैं, इस तरह से काम किया गया। इसलिए इस पर अनुसंधान जारी है, अनुसंधान किया जाएगा, जो भी चीज़ सामने आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पोस्टर चिपकाने वाले ने बाकायदा अपना मोबाइल नंबर भी साथ में दिया हुआ है। खैर, देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की सच्चाई को उजागर करती है। भारत 9 के लिए चीन से अनिल कुमार की रिपोर्ट।